हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 जो आपका सामाजिक विज्ञान है उसका चैप्टर फर्स्ट का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अतलघु एंड लघु उत्तरीय एंड दीर्घ उत्तरीय सब कुछ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। और हाँ, अगर आप लोग एक काम करना, आप लोगों को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करना, सर हमें चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर का प्रोवाइड कर दो, और अगर आपको इकट्ठा चाहिए ना तो भी कमेंट कर देना। तो सबसे पहले आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा एंड फिर उसमें इसी चैप्टर का अति लघु एंड सब कुछ रहेगा, जितने भी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सारियु कौन था? आपको पढ़ाया गया है पहले चैप्टर में, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो देखो, ए है जर्मन दार्शनिक, बी है फ्रांसीसी चित्रकार, सी है पुर्तगाल अर्थशास्त्री एंड डी है रूसी विचारक। तो अब आपके पास चार ऑप्शन है, इस चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, आपकी बोर्ड एग्जाम में ऐसे आएगा जैसा मैं बता रहा हूँ। एंड अगर आप लोग इससे जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हाँ, हमें लगता है कि कम से कम 90% स्टूडेंट जानते होंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। तो इसका सही आंसर जो होगा ना, फ्रेडरिक सारियु कौन था? तो फासे फ्रेडरिक एंड फासे फ्रांसीसी चित्रकार। ओके, याद रहेगा ना, देखो फासे दोनों आते हैं, फासे फ्रेडरिक एंड फासे फ्रांसीसी चित्रकार। तो यहां से आपको याद हो गया कि कौन था, ये फ्रांसीसी चित्रकार था। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां से आपका पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन है, वियना संधि हुई, वियना शांति संध हुई। आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं एंड आप जल्दी से बताओ, ए है 1805 ईस्वी में, बी है 1815 ईस्वी में, सी है 1810 ईस्वी में एंड डी है 1830 ईस्वी में। अब चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और बताना है वियना शांति संध हुई और आप इसका सही आंसर बताना है आपको। तो जल्दी से आप लोग बताओ, आई होप कि सारे स्टूडेंट जानते होंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन सबको पढ़ाया हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा 1815 ईस्वी, ठीक है, ये आपका सही होगा 1815 ईस्वी, याद रखना यही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, एंड अगला है, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय प्राप्त हुआ, मतलब जर्मनी की बात की गई है, दो एकीकरण हुआ था, एक तो जर्मनी का एक इटली का, बट यहां आपकी जर्मनी की बात की गई है और जर्मनी का एकीकरण का श्रेय आपको बताना है कि श्रेय प्राप्त हुआ ए मैथ्सनी को, वी नेपोलियन को, सी ऑटोमन बिस्मार्क को या फिर डी किसी को भी नहीं या कोई नहीं। तो इसका आपको सही आंसर बताना है क्या हो सकता है, क्योंकि आपके पास चार ऑप्शंस हैं और इसमें से कोई एक सही है। और इसका सही आंसर क्या होगा, मैं आपको बता दूं कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय जो है ना किसको प्राप्त हुआ था, वो प्राप्त हुआ था नेपोलियन को, ठीक है, नेपोलियन को प्राप्त हुआ था। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहां से आपका तीन क्वेश्चन क्लियर हो गया, अब इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ, वह है, मतलब आपको बताना है राष्ट्रवाद का नाम सुना होगा, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ, वह देश कौन सा है, या वह है ए जर्मनी, वी फ्रांस, सी इटली, डी इंग्लैंड। अब आपके पास चार अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं और इसमें देखो सारे अच्छे लग रहे हैं, बट आपको कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो अब इसमें आपका कौन सा सही हो सकता है, तो इसमें आपका जो सही है ना वो है जर्मनी। ओके, जर्मनी सही है। तो यहाँ से आपके चार क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, एक ही चैप्टर का बता रहा हूँ, पहला चैप्टर का। लास्ट क्वेश्चन आप देख लो, नेपोलियन का संबंध किस देश से था, नेपोलियन जो थे, नेपोलियन उनका संबंध किस देश से था, ए जर्मनी, वी फ्रांस, सी इटली, डी इंग्लैंड। अब आपके पास चार ऑप्शन हैं और आपको ये बताना है कि जो नेपोलियन थे, नेपोलियन बोनापार्ट, उनका संबंध किस देश से था। सबसे पहले आप ये समझो ना कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था, फ्रांस देश से था। किस देश से,
फ्रांस देश से था। तो यहाँ से मैंने एक चैप्टर का 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया, और अगर इन 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो इससे बाहर पहले चैप्टर में से कुछ नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव आपको इतना तैयार कर लेना है अच्छे से, और कहोगे तो और आएगा, लेकिन पहले चैप्टर का 5 इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक ना एक हिट जरूर करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। अब बात आती है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अब देखो, पहला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार कौन था, ठीक है, एंड एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया। ओके, तो इसका आंसर क्या है वो समझो कि जर्मनी का एकीकरण का कर्णधार कौन था। तो ये सबसे पहला प्रश्न बनता है। तो जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार प्रशा का प्रधानमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क था। कौन था? ऑटो वान बिस्मार्क था। ये छोटी सी चीज याद रखो कि जर्मनी के एकीकरण का जो कर्णधार था वो प्रशा का प्रधानमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क था। वो कहां का प्रधानमंत्री था? प्रशा का, यानी कि प्रशा के प्रधानमंत्री जो थे ना उन्हीं को इनका सम्राट घोषित किया गया। बट और क्या पूछ रहा है, एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किससे घोषित किया गया? तो एकीकरण के बाद प्रशा के राजा विलियम प्रथम को, पहले कौन थे? प्रशा के ही प्रधानमंत्री। बट अगर एकीकरण हुआ किसका? जर्मनी का। जो जर्मनी का जब एकीकरण हुआ तो इसके राजा को चेंज किया गया, मतलब सम्राट को चेंज किया गया, तो फिर भी उन्हीं के राजा बने। जैसे एकीकरण के बाद प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, फिर उन्हीं बने। कौन? पहले तो प्रधानमंत्री जो थे उनके प्रशा के, वो राजा बने थे। अब प्रशा के ही राजा इसके सम्राट बन गए। विलियम प्रथम पहले प्रशा के राजा थे, बट जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो जर्मनी के सम्राट बन गए। तो यहां से आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफी ज्यादा इजी है और आपको बेहतरीन भी लगा होगा। चलो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, वीडियो को लाइक करते चलिए। दूसरा, इटली के एकीकरण में योगदान देने वाले 4 व्यक्ति का नाम, मतलब इटली का एकीकरण हुआ था तो इटली के एकीकरण में ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग थे जिन्होंने भाग लिया था, ठीक है, व्यक्ति हैं। तो चारों व्यक्तियों का नाम हम बताएंगे। पहला व्यक्ति हैं विक्टर इमैनुएल द्वितीय। ओके, तो ये एक व्यक्ति हैं। दूसरा व्यक्ति हैं भैया गैरिबाल्डी। तीसरा है मैथ्सनी, एंड चौथा है कावूर। तो चारों का नाम 4 कलर से अलग अलग हो गया है। पहला है विक्टर इमैनुएल द्वितीय, दूसरा है गैरिबाल्डी, तीसरा है मैथ्सनी, एंड चौथा है कावूर। ओके, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। देखो, यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना किसने की थी एंड इस संस्था के क्या उद्देश्य थे? तो उद्देश्य मैंने हेडिंग डाल दिया है, ये बढ़िया सा, ठीक है। अब इसके उद्देश्य की बात करेंगे क्योंकि मेन इसमें उद्देश्य पूछा गया है। वैसे आप ये भी लिख सकते थे ऊपर कि यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना किसने की थी, ये बताना है, एंड इस संस्था के क्या उद्देश्य थे। तो भाई देखो, मैं आपको उद्देश्य बता देता हूं। पहले देखो, पहला, देश के लिए अपना संविधान तैयार करना। पहला ये है कि देश के लिए अपना संविधान तैयार करना, ठीक है, ये था। दूसरा था ऑस्ट्रिया से गुम्बार्डी, ठीक है, तथा वेनेसिया के प्रदेशों को मुक्त करना, ठीक है, समझ में आया। एंड तीसरा है इटली का एकीकरण करके देश में गणतंत्र की स्थापना करना, मतलब इटली का एकीकरण करके देश में क्या स्थापना करना? गणतंत्र की स्थापना करना। ओके, अब एक बात और यहां आई है इसी प्रश्न में कि यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना किसने की थी, ये तो हमने बात ही नहीं किया। पहले हम लोगों ने उद्देश्य की बात कर ली, तो इसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं, उनका नाम लिख देते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा प्रश्न पढ़े थे लेकिन उतना क्लियर नहीं हुआ, हमें लगा केवल उद्देश्य की ही बात की गई है। तो इसको हम चेक करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसकी स्थापना किसने की थी, वो तो मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई ये मैं बात कर लेता हूँ कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो ये किया था, किसने किया था?
यंग इटली नामक गुप्त स्थापना 1832 में, इधर मैं लिख देता हूं ठीक है याद रखना, 1832 में किसने किया था, मैथसिनी ने की थी ठीक है याद रखना, इधर मैंने बगल में लिख दिया है कि हमेशा हाईलाइट रहे। चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपके ऑब्जेक्ट लगभग जितने भी थे उतने मैंने बता दिया, ये तीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने तीन क्वेश्चन बता दिए। अब हम लोग चलते हैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर। अब देखो लघु उत्तरीय प्रश्न में मैं आपको दो प्रश्न बताऊंगा और इन दो प्रश्न में से कोई एक पूछा जा सकता है, एक नॉट नहीं, लेकिन हाँ अब ये दोनों याद करना पड़ेगा तभी तो आपको क्लियर होगा। अगर ये पूछ ले तो क्या करोगे और ये पूछ ले तो इन दोनों में से कौन सा पूछेगा ये नहीं, मुझे नहीं पता है। पहला, गैरिवाल्डी कौन था और वह इतिहास में क्यों फेमस है। गैरिवाल्डी के नाम लिया गया है, जैसे गैरिवाल्डी जो था वो कौन था तो वो क्यों फेमस था, ये आपको भाई इसका उत्तर अगर चाहिए तो कमेंट करना। वैसे आप बुक में पढ़ सकते हो, कोई अच्छा सा गाइड लेकर पढ़ सकते हो, अगर आपको नहीं पता है तो भाई कमेंट करना, मैं आपको इसका भी उत्तर बता दूंगा। वैसे तो मैंने बताया है जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, भाई इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, अगर आप लोगों ने नहीं जानते हो तो सर्च कर लो जर्मनी का एकीकरण बाय सरवन लेक्चरर, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा और वहां से आप पूरा संक्षिप्त पढ़ सकते हो। इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, सब कुछ अभी जल्द ही पढ़ाया गया है। तो यहां से आप ये दोनों क्वेश्चन आपको लघु उत्तरीय में तैयार करना होगा ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न आपको ये दो तैयार करना है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और दोनों आईएमपी हैं, दोनों आईएमपी हैं ठीक है। अगला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस में क्रांति 1789 ईस्वी की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, कारण भी बताइए। तो कारण मैंने एक बार बताया था फ्रांस की क्रांति का, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, अगर आप लोग कहोगे तो बता दूंगा, लेकिन अब ऐसे में बहुत लॉन्ग पड़ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन इसका, तो आप लिख कर एक नोट बनाओ अच्छा सा और उसमें आप लिख लिख कर याद करो, इसके लॉन्ग क्वेश्चन को भी लिख लिख कर याद करो, तभी आपको याद होने वाला है। इनके लॉन्ग क्वेश्चन को भी एक से दो बार रिवीजन करो और उसको लिखो, रफ में लिखो, अच्छे से लिखो, तो आपको ये रिवीजन होता रहेगा और याद होता रहेगा और काफी इजी लगेगा। और अगर आप सोचो कि मैं केवल एक बार पढ़ दूं तो आपको हमेशा नहीं याद रहेगा, आप उसे लिख लिख कर याद करो ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन की यही बात है कि आपको वो लिख लिख कर याद करना पड़ेगा और आपका पूरा कंठस्थ हो जाएगा, कभी भी आप नहीं भूल पाओगे। तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया गया है, लगाया जाता है, उदारवादियों ने किन राजनीतिक एंड सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया। तो यहाँ से ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये दो आपको लॉन्ग तैयार करना है, दो लघु उत्तरीय तैयार करना है, तीन लघु उत्तरीय, पांच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ठीक है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर फर्स्ट का, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सबको मैंने डिस्कस करा दिया। जिसका आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है। आप क्या करो ना, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना ठीक है। एंड ऐसे ही वीडियो मैं आपको लगातार प्रोवाइड करता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।